हे दोस्तों, आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे मास्टर क्लास का ओवरव्यू कैसा रहने वाला है। मतलब हमारे मास्टर क्लास में क्या क्या हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो गाइज, इस मास्टर क्लास को मैंने तीन फेज में डिवाइड किया है। फेज वन में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मर्चेंट नेवी। मतलब हम मर्चेंट नेवी बनाया ही क्यों गया, क्या ये हमारी लाइफ के पर्पस से अलाइन होता है। बहुत सारे बच्चों को उसका पर्पस नहीं पता होता है, उनका वैल्यूज़ नहीं पता होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि मर्चेंट नेवी को बनाने का पर्पस क्या था, और क्या जब हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने जा रहे हैं तो हमारा पर्पस उसके साथ में अलाइन हो रहा है। दूसरी बात, कोर्सेस फॉर ऑफिसर्स लेवल एंट्री। ऑफिसर्स लेवल एंट्री के लिए कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो हमें करने चाहिए, और कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो हमें क्रू के लिए लेकर के जाते हैं, कौन से अच्छे कोर्सेज हैं, कौन से नहीं है, किस में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, किस में कॉम्पिटिशन कम है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन का रेट क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि IMU CET के बारे में डिस्कस करेंगे कि IMU CET क्या होता है, इसमें कौन सा सिलेबस आता है, इसमें कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्या 11 ज़्यादा आता है या 12 ज़्यादा आता है, पेपर कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है या नहीं होता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्या टाइम मैनेजमेंट है, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, सारी चीज़ें, सिलेबस, पेपर पैटर्न, टाइम मैनेजमेंट, कट ऑफ मार्क्स, एवरीथिंग, वो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। एंड देन अच्छे कॉलेजेस की लिस्ट कौन सी है, कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जिनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छे हैं। और दूसरी बात ये कि अगर हमें प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखने पड़े तो हम कहाँ पे जाकर के प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, कौन से खराब हैं, जबकि DG शिपिंग ने हमें ये सब कुछ बता रखा है कि उनके पास में एक डेटा है जहाँ पे पता चलता है कि कौन से कॉलेजेस का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या क्या रहा है। ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे वहाँ पे जाकर के। और इससे क्या होता है कि फ्रॉड केसेस होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मर्चेंट नेवी में बहुत सारे फ्रॉड केसेस होते हैं, तो फ्रॉड केसेस इसीलिए होते हैं क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती है, कि आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, क्या ये DG शिपिंग से अप्रूव्ड है या नहीं है, IMU के अंदर आता है या नहीं आता है, इसमें प्लेसमेंट कैसा है, ये सारा डेटा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे देखना है। देन हम जाएंगे फेज़ नंबर टू पे। फेज़ नंबर टू है कि स्पॉन्सरशिप क्या होती है, क्या स्पॉन्सरशिप सारे कोर्सेज के लिए मिलती है, स्पॉन्सरशिप का क्या मतलब होता है, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, इसके एग्जाम में कौन से पार्ट होते हैं, लाइक रिटन इंटरव्यू में क्या आता है, रिटन में क्या आता है, इंटरव्यू में क्या आता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या होता है, मेडिकल टेस्ट कैसे होते हैं, इनका सिलेबस क्या होता है, सबका सिलेबस सेम होता है या अलग अलग होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे आकर के कि स्पॉन्सरशिप क्या है, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, इसमें सिलेबस क्या है, और बेस्ट कंपनीज कौन सी हैं, और अगर हमें कंपनीज देखनी हो तो उसका RPSL नंबर कैसे चेक किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ तक देखेंगे। इसके बाद एक ब्रेक होगा, दैट विल बी लंच ब्रेक, ताकि आप थोड़ा सा लंच करके और थोड़ा सा रेस्ट करके दोबारा वापस आइए। एंड हेयर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, दैट इज फेज नंबर थ्री। एंड इस फेज नंबर थ्री में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पे रहकर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फेज नंबर थ्री में ही है। आप घर पे रहकर के IMU CET के लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने मर्चेंट नेवी क्यों नहीं ज्वाइन किया। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें पूरा का पूरा सीक्रेट है, 8 stages of transformation। तो दोस्तों, अगर आपने ये वाला पार्ट मिस कर दिया, इसका मतलब ये कि आपने पूरा का पूरा सेशन मिस कर दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला पार्ट बिल्कुल भी मत मिस करना, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। और इसके बाद हम आएंगे बोनस कोर्सेज पे, कि हम कौन से बोनस कोर्सेज आपको देने वाले। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं 10,000 रुपये से ज़्यादा कीमत रखने वाले कोर्सेज आपको फ्री में दूंगा, तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दूंगा जो आपको फ्री में मिलने वाली है और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो ये है हमारा कोर्सेज का ओवरव्यू, और यहाँ पे मैंने प्रिपेयर किया ये पूरा का पूरा फेस लेआउट। सो ऑल ऑफ यू आर रेडी, ऑल ऑफ यू आर एक्साइटेड गाइस, तो हम लोग मिलेंगे मास्टर क्लास में। ऑल द बेस्ट गाइस।